नमस्कार, बहुत बहुत आभार हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को खबरों का बादशाह बनाने के लिए। आपका अपना चैनल एक बार फिर बार्क की रेटिंग में नंबर वन बना है, दर्शकों की पहली पसंद बना है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्यार और भरोसे के लिए दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत एक बार फिर बरकरार है, हमेशा से खबरों की कसौटी पर खरा उतरा है आपका अपना चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और एक बार फिर से खबरों का बादशाह बन गया है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके काम की खबर कहां सबसे पहले दिखाई जाती है? जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोई भी टक्कर में नहीं है, सबसे पहले सारी खबरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम आपके लिए चलाते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट आपके लिए बनाते हैं, और यही वजह है कि आपका भरोसा आपका प्यार एक बार फिर हमको मिला है और बार की रेटिंग में आपका अपना चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नंबर वन बना है। खबरों के बादशाह थे, खबरों के बादशाह हैं और खबरों के बादशाह रहेंगे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक बार फिर से बार की रेटिंग में नंबर वन बना है 26.3% के साथ। ये आपका भरोसा है और ये आपका प्यार है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आपका प्यार और आपका भरोसा हम पर बरकरार रहेगा और हम लगातार खबरों की कसौटी पर हमेशा की तरह खरा उतरते रहेंगे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक बार फिर से बादशाह बनकर उभरा है, सबको पीछे छोड़ते हुए 26.3% रेटिंग के साथ हम एक बार फिर से नंबर वन बने हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता आपके बीच में आते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं और हम उनको हुक्मरान तक पहुंचाते हैं, फिर उनका समाधान होता है, क्योंकि हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझते हैं, और यही वजह है कि हमेशा से दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरते हैं। अब बात करते हैं खाद के संकट की। मुरैना में खाद को लेकर किसान परेशान है, जिले में खाद का संकट अभी भी चल रहा है, किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है, 10 दिनों से लाइन में लगे हैं किसान, और जिसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है, खाद के लिए धूप में खड़े होकर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, और उसी इंतजार की ये तस्वीरें आप देखिए कि जब लोग यहां लाइन में खड़े खड़े परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो अपनी जगह वो एक पत्थर रख कर चले जाते हैं, और क्योंकि धूप भी बहुत ज्यादा है, आप देखेंगे तो आपको तस्वीरों में ये पत्थर दिखेंगे, और ये किसी व्यक्ति की तरफ से ही रखे गए हैं ताकि उनकी जगह सुनिश्चित रहे, क्योंकि कई बार इतनी देर तक यहां खड़े रहना पड़ रहा है कि लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, धूप में इतनी ज्यादा है और जिसकी वजह से लोगों को बीमार होने का भी डर सताता है। तो किसान परेशान है खाद को लेकर, और मुरैना में ये खाद का संकट बरकरार है जिसकी वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है, लंबा इंतजार करना पड़ रहा है खाद के लिए। कब से आप खाद के लिए लगी हैं लाइन में? सवेरे के लगी है। अब क्या दिक्कत आ रही है? जब दुकानों का नाम ना जावे, आज पता ना कैसा है, जरा जितना यहाँ दुकानों का नाम ना सेरो फिर कम ना दावना। क्या मिल नहीं पा रहा खाद? क्या दिक्कत आ रही है? क्या कह रहे हैं लोग? हम मिले वो मिल तक ना आश्वासन नहीं दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी करतार जुड़ गए हैं मुरैना से। करतार, आखिर कब तक इसी तरह से खाद के लिए किसान परेशान होते रहेंगे? देखिए मनु, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आवश्यकता है 24,500 मैट्रिक टन की, और यहाँ उपलब्ध हुआ है 14,800 मैट्रिक टन, मतलब आधे से कम खाद है उसकी उपलब्धता है। डीएपी उसकी सबसे ज्यादा मांग है, जिसको लेकर किसान पूरे जिले भर में परेशान है, जिले भर में लाइनों में लगा होता है, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसको डीएपी मिल नहीं पाता। डीएपी के लेकर पॉलिसी बनाई गई कि दो कट्टे दी जाए, किसी को एक कट्टा दिया जाए, पर्ची बांट दी जाए, किसी व्यापारी से दिया, तमाम तरह की पॉलिसियां बनाई गई, लेकिन वो सब फेल रही, किसान लगातार परेशान है। हालांकि इस समय लाइन नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से जो वितरण केंद्र है वहां से मना कर दिया गया है कि खाद है नहीं, दशहरा बाद रेक आएगी, 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन के बाद रेक आएगी, तब किसानों को खाद मिल पाएगा। किसानों की पशु पर ये है कि उनको बुवाई करना है इसी समय बुवाई नहीं हुई समय पर, तो उनकी जो फसल है वो हो नहीं पाएगी। तो उनकी मजबूरी अलग है। एक बार पीछे की तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि आप मौके पर मौजूद है। देखिए यहाँ किसान भी है, किसानों से बात करेंगे। आप खाद लेने आए, क्या दिक्कत आ रही है? जल्दी आते हैं, मिलने का 2 दिन से परेशान है।
डीएपी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। क्या आप क्या लेने आए हैं? डीएपी लेने आए भाई साहब, देखो भैया चक्कर काट रहा, डीएपी मिल रहा मिल नहीं रहा डीएपी दो 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 घंटा दे रहेगा पर जी पे कहा उससे कुछ हो नहीं पा रहा। आप क्या लेने पहुंचे हैं? डीएपी लेने आए। डीएपी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। एक पर्ची पे दो घंटे दे रहे थे, वो अब है नहीं यहाँ पे। देखिए यहाँ हालांकि अब इस समय बिल्कुल भी लाइन नहीं है क्योंकि किसानों को मना कर दी गई सुबह, अभी थोड़ी देर पहले किसान सब यहाँ से जा चुके हैं। कुछ किसान है वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार से कुछ होना नहीं है। जो त्योहार है, त्योहार की छुट्टियों के बाद में डीएपी आएगा, मतलब अब इस सेंटर पर दशहरे के बाद ही डीएपी मिलना शुरू होगा। तो ये एक तरह से जानकारी भी है उन किसानों के लिए जो पहुंच रहे हैं, दूर दूर से पहुंच रहे हैं यहाँ पर खाद लेने के लिए। बहुत शुक्रिया करतार आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं इंदौर से खबर है जहां गरबा पंडाल में फिर पकड़ाया युवक। गरबा पंडाल में अमन बनकर आमिर पहुंचा था, लड़की के साथ ये युवक यहां पर गरबा कर रहा था। आमिर पर लड़की को अपहरण करने के आरोप लगे हैं। हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस से शिकायत की है, बालाघाट पुलिस से भी संपर्क किया गया है। आरकेई नवरात्रि डांडिया नाइट गरबे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यही वो शख्स है जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और बताया ये जा रहा है एक शख्स का नाम है आमिर खान, लेकिन ये शख्स गरबा पंडाल में एक लड़की के साथ पहुंचा था और आरोप यह है कि उस लड़की का भी इसने किडनैप किया था। नाम आमिर है लेकिन नाम बताया गया यहां पर अमन। अमन बनकर ये आमिर गरबा पंडाल में पहुंचा था लेकिन पकड़ाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, हिंदू संगठन के लोगों ने इसको पकड़ लिया है और पुलिस से इसकी शिकायत कर दी गई है। बालाघाट पुलिस से भी संपर्क किया गया है। आरकेई नवरात्रि डांडिया नाइट गरबे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी शिव मोहन शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। शिव मोहन, पहले से ही आशंका थी कि कुछ दूसरे समुदाय के लोग गरबा पंडाल में पहुंचेंगे और ये आमिर खान पहुंचा अमन बनकर, पकड़ाया कैसे? देखिए मनु, इंदौर में ये तीसरा संभवता ये युवक है जो मुस्लिम था और हिंदू बनकर गरबा में पहुंचा। हाँ। इसका असली नाम आमिर है और जो अमन बनकर गरबा में इसने एंट्री ली और साथ में इसके साथ लड़कियां भी थी, तीन से चार लड़कियां बताई जा रही जिसमें एक नाबालिग लड़की भी थी जिसके साथ ये डांस कर रहा था। जब वहां पे मौजूद महिलाओं को शिमोन हुआ और ये बताइए आप, एंट्री का तरीका क्या है, क्या वहां पे क्या देखा जा रहा है, आधार कार्ड देखा जा रहा है या किस तरीके से एंट्री कराई जा रही है? मनु देखिए, ये जो गरबे हैं, ये पंडाल बड़े बड़े पंडाल हैं, यहाँ पे प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर अमूमन या तो नाम पूछकर या आधार कार्ड के जरिए चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा है, परंतु इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं तो कोई गफलत में लंबे लंबे लोगों के बीच में भी कोई निकलकर अंदर पहुंच जाता है, जैसा कि कल के मामले में हुआ। अमन उसका नाम बताया गया, वहां पर मौजूद जो महिलाएं थी, महिलाओं को शक हुआ, महिलाओं ने सबसे पहले जाकर जो हिंदू संगठन थे उनको उन्होंने शिकायत की। जब वे आए उन्होंने सख्ती से इसके साथ पूछताछ की, जब इसने अपना असली नाम अमन स्वीकारा और जब पुलिस आई, पुलिस को मौके पर इसका मोबाइल दिया गया और मोबाइल में जो इसकी चैटिंग मिली, चैटिंग में कई दूसरी लड़कियों के साथ भी इसकी बातचीत की चैटिंग मिली है। इसके साथ ही ये जो लड़की थी उसको भी ये किडनैप कर इंदौर लेकर आया था खबरों के मुताबिक। अभी हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, परंतु हिंदू संगठनों ने इस पर आरोप लगाए थे कि इसके मोबाइल में जो लड़की थी, लड़की के पिता का मैसेज पाया गया है जिस पर साफ साफ लिखा गया है कि ये लड़की को किडनैप कर इंदौर लाया है और लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके गृह नगर में थाने में जमा कर दी गई है। तो इसके बाद हालांकि पुलिस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है, पूछताछ कर रही है, छानबीन कर रही है, जिसके बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये अब पुलिस ये भी जांच करेगी कहीं कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है इस व्यक्ति का, आखिर क्यों ये नाम बदलकर इस गरबा पंडाल में पहुंचा था। बहुत शुक्रिया शिव मोहन आपका तमाम जानकारी के लिए। दमोह से खबर है जहां पर तेंदुखेड़ा इलाके में दिवाली से पहले प्रशासन की सख्ती देखने को मिली है। अवैध पटाखे को लेकर प्रशासन मुस्तैद है, कलेक्टर ने रेवेन्यू और पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से तीन दुकानों से लाखों की कीमत वाले पटाखे जब्त किए गए हैं। तो दिवाली नजदीक है और ऐसे में लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन की तरफ से पूरी सख्ती दिखाई जा रही है और यही वजह है कि जगह जगह जब छापेमारी की जा रही है तो अवैध रूप से पटाखे बनाने का खुलासा भी हो रहा है। यहां पर कलेक्टर ने रेवेन्यू और पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद तीन दुकानों से लाखों की कीमत वाले पटाखे जब्त किए गए हैं, जिनकी तस्वीरें आपके सामने। दमों में ये अवैध पटाखे पर एक्शन हुआ है। नानी
जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जिले के जितने भी पटाखा व्यापारी थे सबका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों ने ये निर्देश दिए कि जितने भी इस प्रकार के विस्फोटक पदार्थ विक्रय करने वाले लोग हैं इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी मुहिम में सर आज हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई और 3 पटाखा व्यवसायियों से लगभग 3,10,000 के पटाखे बरामद हुए और जिन पर विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जाए। वही आगर मालवा से खबर है जहां वैध पटाखों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। छावनी नाका इलाके में भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए हैं। एक स्टेशनरी और दुकान से अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं। 2 निजी बैंक्स और पेट्रोल पंप के पास अवैध पटाखे मिले हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आगर मालवा से हमें मिल रही है जहां पर अवैध पटाखों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। छापनी नाका इलाके में भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए हैं। एक स्टेशनरी और दुकान से अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं। 2 निजी बैंक्स और पेट्रोल पंप के पास भी अवैध पटाखे मिले हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आपको दिखा रहा है जहां पर ये एक्शन लिया गया है पुलिस और प्रशासन की तरफ से, क्योंकि दिवाली नजदीक है और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। पुलिस की और राजस्व विभाग नगर पालिका की संयुक्त टीम के द्वारा कस्बे का भ्रमण करने के दौरान एक भोला राम भैयो की दुकान करके नाम छावनी मार्केट पे स्थित है इसकी, इस पर कार्रवाई की गई है। जो किताबों की दुकान है जिस पर विस्फोटक सामग्री पाई गई है, बाद इसकी गोदाम और घर को चेक किया गया जिस पर काफ़ी मात्रा में विस्फोटक पटाखों का मिला हुआ है। पटाखों की गिनती की जा रही है और उसकी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है। हमारे सहयोगी आगर मालवा से कनीराम यादव जुड़ गए हैं। कनीराम, अब दिवाली से पहले प्रशासन पूरी तरह से सख्ती दिखा रहा है, जगह जगह छापेमार कार्रवाई हो रही है। जी देखिए, ये मुखबिर की सूचना से पुलिस को सूचना मिली थी कि अन्य बाजार में जो मेन मार्केट जो घर बने हुए हैं शहरी क्षेत्र में, वहां पे अवैध भंडारण हो रहा है पटाखों का। तो SDOP मोतीलाल कुशवाहा के द्वारा निरीक्षण टीम बनाई गई है। राजस्व विभाग के SDM और आला अधिकारी मौके पहुंचे और कार्रवाई करी, जिसमें कार्रवाई के दौरान जो नीचे तल घर बने हुए थे उन तल घरों में और जो घर पीछे रूम बने थे उन घरों में अधिक मात्रा में पटाखे पाए गए, जिसमें 148 बॉक्स पेटीए फटाके की बरामद हुई है। 2 बड़ी फटाके की पेटियां लोहे की बरामद हुई है, उसको लेके पुलिस ने रात भर कार्रवाई करी है। सुबह उन फटाकों को प्रशासनिक विभाग का जो भंडारण केंद्र है वहां पहुंचाया गया है और जो आरोपी है उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बड़ी बात यह है कि जहां हमने पटाखे रख रखे थे उनके जस्ट सामने एक पेट्रोल पंप है 300 फीट की दूरी पे और पास में 2 बैंक है और जो क्षेत्र है वो पूरा रहवासी क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि अगर ये प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती कहीं अगर दुर्घटना हो सकता था। कनीराम, अगर मान लीजिए कोई विस्फोट ही हो जाता तो वहां पर क्या हाल होते? बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से खबर है जहां MBA छात्रा के अपहरण की कोशिश की गई। गरबा से लौटने के दौरान अपहरण की कोशिश की गई। आरोपी ने हत्या करने का भी प्रयास किया। जान बचाकर भागी छात्रा, राहगीर से ली मदद। देवेंद्र नगर थाने में पीड़िता ने आप बीती भी बताई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहे हैं। यहां पर MBA छात्रा के अपहरण की कोशिश की गई। गरबे से ये लौट रही थी, उसी दौरान किडनैप करने की कोशिश की गई है। आरोपी ने हत्या करने का भी प्रयास किया। जान बचाकर ये युवती यहां से भागी है, राहगीर से मदद ली और उसके बाद देवेंद्र नगर थाने में जाकर पीड़िता ने पूरी आप बीती बताई है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हमारे सहयोगी राजेश निषाद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेश, कौन था वो आरोपी जिसने इस छात्रा को किडनैप करने की कोशिश की? क्या कोई जानता हुआ व्यक्ति था इस लड़की का?
आप बिल्कुल इसी तौर पे जान पहचान का है और एक ही कॉलेज के हैं, विशेष सिंह नाम बताया जा रहा है उस आरोपी का। हाँ। और वो लगातार युवती को परेशान कर रहा था, यही वजह है कि जब गरबा खेलने के बाद जब छात्रा अपने घर की ओर निकली और घर वो पहुंची गई थी, उसके साथ उसकी एक और फ्रेंड थी, वो अपनी फ्रेंड को उनके घर छोड़ी है और वहां से कुछ ही मीटर की दूरी पे छात्रा का घर था। वो जैसे ही घर के पास पहुंची और वहां चूंकि अपने मोपेड से अपना मोबाइल फोन निकाली, इसी बीच ये विशेष सिंह जो आरोपी है वो वहां पहुंचता है और उसका हाथ खींचते हुए, उसका बाल खींचते हुए, उसे मारते हुए अपने साथ जबरिया गाड़ी में बैठा करके लेके जाता है। और जो पंडरी मैक कॉलेज है वहां उस इलाके में ले जाके उसके साथ मारपीट की जाती है और मारपीट करने के बाद जो छात्रा का मोबाइल फोन था उसी मोबाइल फोन से उसके सिर के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से छात्रा के सिर पे गंभीर चोटें आती है। किसी तरह से छात्रा वहां से अपनी जान बचा करके भागती है और भागने के बाद जो राजधानी रायपुर का हृदय स्थल माना जाता है जयस्तम चौक, वहां वो छात्रा पहुंचती है और आधे घंटे तक वो वहीं खड़े रहती है। क्योंकि छात्रा के पास मोबाइल फोन नहीं था तो ऐसे में राहगीर से छात्रा मदद मांगती है और उसके बाद अपने भाई को इसकी सूचना देती है। लेकिन देखिए सबसे हैरानी की बात तो ये है, जब छात्रा थाने पहुंचती है देवेंद्र नगर थाने, तो वहां छात्रा की FIR नहीं लिखी जाती, उन्हें ये जिस एरिया में घटना हुआ वो हमारा एरिया नहीं है ऐसा कहकर छात्रा को भेज देते हैं। उसके बाद छात्रा गुड़ियारी थाने में जाकर के FIR दर्ज कराती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजेश।